चंद्राय राधिकाय निस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भगवताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषये नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीयसहगतिगतान्त नमस्ते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुदेवि प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय च कृष्णभक्तिव्रजहे श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीयाद्वैतगदाधरी कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा रानी चल रहा है उधर बढ़िया सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर श्री 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 माधुभक्ति श्रेणु सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम तत्पश्चात मृतिका गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर श्री 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 माधुभक्ति लीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरणी श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, आज एक विशेष तिथि है। क्या है? कहते श्री ललिता सप्तमी। इसलिए कहते जो ललिता देवी कहते राधा रानी जन्म लेने से पहले श्री ललिता देवी जन्म ग्रहण करती हैं। इसलिए बोले राधा रानी से ललिता देवी 27 डे उनसे ये बड़ी है। कहते इसलिए एक श्लोक में बताए कहते ये सखियाँ है कौन। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विताभी स्ताभी एव निज रूप कला तयाभी। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण जब इच्छा कर रहे थे मैं लीला करूँगा इतने में कल्प वृक्ष को नीचे कृष्ण गोलोक वृंदावन में खड़े हुए इतने में कृष्ण का बाम शरीर से श्रीमती राधा कहते एक से वो दो भी लेकिन इनका नाम ही राधा है। राधा मतलब होता है जो कृष्ण को विशेष पूर्वक आराधना करते हैं कृष्ण सेवा करते हैं। अभी राधा रानी सोच रही है मैं अकेली कृष्ण का कितना सेवा कर सकती हूँ। इसलिए राधा जी की इच्छा है अनंत रूप में मैं कृष्ण की सेवा करूँ। इसलिए फिर राधा रानी की जो एक एक जो भाव ही कहते एक एक रूप धारण करके रूप में प्रकट हुई। इसलिए कहते श्री ललिता जी को प्रकट की राधा रानी। कहती ये ललिता मतलब क्या है? तो ललिता मतलब होता है लालिता सुंदरता सुंदरता। इसलिए मान राधा रानी अपना सुंदरता को ही एक उन्होंने रूप दान दिया है। कहती श्री ललिता सती। कहते इनकी जन्म कहाँ होती है? ऊंचा गांव। ऊंचा गांव मतलब क्या है? हैं कहते सबसे ऊंची प्रेम सगाई जैसे ललिता सखी जितने अष्ट सखी होगी जैसे ये सर्वश्रेष्ठ है सर्वश्रेष्ठ से ललिता सखी। इसलिए जैसे ऊंचा गांव मतलब सबसे ऊंचा गांव। इसलिए सर्वश्रेष्ठ राधा रानी की सखी है इसलिए उनका गांव भी सबसे ऊंचा है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं
ललिता सखिरा अयोध्या किंकरी बिनोद धरी छे पाय। इसलिए तो अगर कृष्ण सेवा करना है, राधा रानी की सेवा करना है, कहते हम लोग जो है ये ललिता की गण में, ललिता की गण में हम लोग हैं। विशेष करके इनके अनुगत में कुछ सखियाँ काम करती, जैसे श्री रूप मंजरी, श्री लवंग मंजरी, श्री अनंग मंजरी, यदि ये जितने सब मंजरिया है ना, यदि ये ललिता की अनुगत में ही ये सब के सब सेवा करते हैं। इसलिए जैसे हम श्री गुरु जी की चरण में गए, फिर गुरु जी हमें क्या करेंगे, बोले उनकी गुरु जी की चरण में ले जाए, बोले उनको गुरु जी, बोले उनको गुरु जी की चरण में ले जाए, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, बोले श्री रूप मंजरी के पास। फिर रूप मंजरी क्या करेगी, फिर रूप मंजरी हमें लेकर के श्री ललिता सखी के पास में ले जाए। इतने में राधा रानी पूछेगी, बोले ललिते बताओ तो ये नया सखी देखो, नई सखी आई, हाँ ये एक नई सखी आई है। इसलिए फिर श्री ललिता हमें लेकर के श्री राधा जी के चरण में अर्पण करेगी, फिर श्री राधा रानी की आनुगत्य में फिर तो कृष्ण की सेवा हमें प्राप्त होगी। कोई डायरेक्ट कोई कृष्ण राधा जी के पास ही जा नहीं सकते, उनकी आनुगत्य में ही जा सकते हैं। इसलिए कहते जो अष्ट सखी हैं, कहते इनका सब अलग अलग सेवा किया है, बोले तांबुलम भक्त ललिताम विशाखाम गंध चंदने चामरी चंपक लता तुंग विज्ञात नर्तनी सुदेवी जल सेवायाम रंग श्री रंग देवी। तो उसमें तो श्लोक में बताया कि ये सखियाँ जो कृष्ण राधा रानी की सेवा करती है, इनका क्या क्या सेवा है, बोले तांबुलम भक्त ललिता, कहते ललिता सखी बड़े सुंदर तांबुल, तांबुल मतलब क्या है, जो पान की जो गुड़िया होता है ना, जो पान गुड़िया बड़ी सुंदर पान की गुड़िया, जब राधा रानी उसको खाती है ना, तरह तरह का उसमें है सेट दे करके, तरह तरह का जब राधा रानी खाती है उसमें क्या होता है, जो होठ है ना लाल होता है, वैसे राधा रानी का होठ लाल है ही है, जो पान खाते हैं क्या होता है, होठ लाल होता है, मुँह से बड़े सुंदर सुगंध निकलती है उसमें। इसलिए कहते तांबुलम भक्त ललिताम बोले विशाखाम गंध चंदने, कहते इनकी अनंत सेवा है, अनंत सेवा में कहते विशाखा की क्या सेवा, बोले गंध चंदने सुंदर चंदन से राधा रानी कृष्ण को बड़े सुंदर श्रृंगार करती है, बोले चामरे चंपक लता, बोले चंपक लता क्या करती है, बोले ये चामर की सेवा करती है, चाम पर तुंग विद्या तो नर्तनी, बोले तुंग विद्या तो बड़ी सुंदर नृत्य करते हैं, बोले सुदेवी जल सेवाया, बोले सुदेवी क्या करती है, बोले जल की पात्र लेकर के बड़े सुंदर राधा कृष्ण के जल की सेवा करते हैं, बोले राजेश्री रंग देवी के, बोले रंग देवी क्या करती है, बोले बड़े सुंदर राग रागिनी बड़े सुंदर भजन गाते हैं, जिसको सुन करके राधा कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते ये जो ललिता सखी के पिता माता कौन है, कहते शारदा और विशोक, कहते विशोक और शारदा इनकी पिता माता है। कहते इसी जगह से कहते नियम है, क्या नियम है, अगर माँ की गुण अगर बेटे में आए, अगर उनका चेहरा अगर बेटे में आता है तो बेटे को सौभाग्य बन जाता है, अगर पिताजी का चेहरा बेटी में आए हैं, बेटी में आए, कहते वो बेटी को बड़ा सौभाग्यवान बन जाता है, जगत नियम है, अगर पिताजी का गुण अगर बेटी में आ जाए। कहते इनका जो पिताजी है ना, है जो पिताजी है, कहते इनके हृदय में है, कहते कहते श्री कहते जो पावन सरोवर है ना, कहते पावन जो गोप है उनका गर्भ बनाया हुआ, कहते जो पिताजी के जो गुण हैं, कहते ये इनके हृदय में ललिता को अंदर में, बोले पिताजी का क्या गुण है, बोले उनको जो पिताजी बड़े उदार स्वभाव है, बड़े दयालु बड़ी कृपालु स्वभाव के पिता है, पन्ने का नाते पिताजी का जो गुण है ये ललिता से गुण आएगा, आने का नाते ये ललिता बड़ी दया बड़ी कृपालु। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जो ललिता अष्टक जो कहते हैं,
अगर कहीं ब्रज में अगर कहीं ब्रज में किसी सखी को हृदय में, किसी गोपी के हृदय में अगर उनकी कोई इच्छा भावना आ जाए, क्या इच्छा बोले मैं राधा रानी के अनुगत में हम सेवा करना चाहते, बोले सद्य भटन पिता पिता रहती कभी ललिता क्या करती है, केवल थोड़ी सी इच्छा जानते ही उसको जो इच्छा हुई ना ललिता से की बड़ी जल्दी पूरी कर देती है, पूरी कर देती है। इसलिए अगर ब्रज में कोई गोपी जन्म ग्रहण करती है तो उनका जो रुचि परीक्षा होती है, रुचि परीक्षा पता है, रुचि परीक्षा जब एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता होते जब बच्चा गुठन पर चलना सीखता है उसको सामने बहुत तरह तरह का चीज़ रखी जाती है, सोने की छतरी की वस्त्र की अलग अलग चीज़ रख लेते हैं और वो बच्चे को छोड़ देते हैं, वो बच्चा अपना घुटन पर चलते 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 जाकर जिस चीज़ को पकड़ता है इससे पता चलता है इसका भविष्य क्या है, भविष्य में क्या बनेगा है। जैसे महाप्रभु उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को आलिंगन को समझ गए, जगत में भागवत ग्रंथ चल गए, कहते श्री प्रभुपाद इनकी रुचि परीक्षा में प्रभुपाद भी भागवत ग्रंथ को पकड़ समझ गए। एक दिन प्रभुपाद जगत में भागवत ग्रंथ प्रचार कर रहे थे, कहते भगवान ने नाम अस्त्र अस्त्र और वेद है, वेद और उन्होंने अस्त्र धारण किया, समझ गए ये भविष्य में बहुत बड़ा ये क्या बनेगा, बहुत बड़ा क्षत्रिय बनेगा और जगत में धर्म को मर्यादा को लिए स्थापन करेगा। तब उसी तरह अगर ललिता को पता चले ब्रज में कोई नई गोपी जन्म ग्रहण करता, ललिता क्या करती है राधा रानी की जो वस्त्र है ना वो वस्त्र को ले करके जाती है और उनका रुचि परीक्षा में वो वस्त्र को रख लेती है। अगर वो लड़की धीरे धीरे चलते चलते राधा रानी की अगर वस्त्र को अगर पकड़ लेना ललिता समझ जाती है ये बड़ी होकर के हमारे जन्म हमारे राधा रानी की गण आने वाले, इसलिए ललिता से भी बड़ी ध्यान देती है क्योंकि वहाँ पर अलग अलग दल है, चंद्रावली का दल भी दल है, एंटीबाटी पार्टी है, इसलिए कहीं एंटीबाटी में नहीं चली जाए ये हमारे दल में आ जाए, सब चाहते अपना दल भाई करना सब चाहते हैं, इसलिए राधा रानी उसको पर विशेष नजर देती है बड़ी होकर के। फिर धीरे 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 उसको राधा रानी की दल में सम्मिलित करती है, इसलिए ललिता बड़ी दयालु है, ललिता बड़ी कृपालु है, ललिता सखी है तो बड़ी दयालु से ललिता सखी कहती जो ललिता सखी कहते इनकी जो सेवा क्या सेवा करती है राधा रानी की निकुंज मंदिर में, कहती ये जो पुष्प की जो सेवा है वो कुछ करती है, जैसे भगवान राधा कृष्ण के लिए पुष्पों की सज्जा बनाना, राधा कृष्ण के लिए पुष्पों की छत्र बनाना है, राधा कृष्ण के लिए पुष्पों की कुंज बनाना, कहते ललिता खूब एक्सपर्ट इस विषय से बहुत बढ़िया, और कभी कभी तब वहाँ पर बताए कितने सुंदर कुंज बनाती है पुष्पों की, जैसे लाल रंग का पीला रंग का सफ़ेद रंग का, जब उसी कुंज में कोई प्रवेश कर जाए ना जैसे कृष्ण राधा रानी प्रवेश करे जैसे यहाँ खड़े होकर के देखना चाहे अंदर में क्या कर रहे हैं वो देख नहीं सकता, देख नहीं सकता अंदर में क्या हो रहा है अद्भुत, और उसका अंदर में प्रवेश करते जैसे जो लाल फूल की बनाए सफ़ेद फूल होती जब उसका अंदर में प्रवेश करते और जो पुष्पों का रंग और इनका रंग एकदम मैसी कर जाता है मिल जाता है, इसलिए पता नहीं चलता है भैया अंदर में क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता है। इस अद्भुत रूप में ये ललिता सखी भगवान कृष्ण राधा रानी कृष्ण के लिए बड़ी सुंदर ये कुंज बनाती है, कहते इनका जो राग है हैं अलग अलग राग है, अलग अलग राग में अलग अलग सब गाना सब भजन गाते हैं, कहते इनका जो राग कलिंग राग है होता है कलिंग राग तो अलग अलग शोर भेद होता है, इनका ये सबसे बड़ा प्यारा राग सभी का अलग अलग राग में पसंद है कलिंग राग पसंद है, कहते इनकी जो वाद्य जैसे कोई मृदंग अच्छा हो जाता है कोई मजिला अच्छा हो जाता है कोई क्यासी अच्छा हो जाता अलग अलग म्यूजिक है ना, कहते श्री ललिता की सबसे प्रिय वाद्य क्या है बोले बिना है, कहते ये सुंदर ललिता सखी बड़ी सुंदर ये
बिना बजाती है, जिसको सुन करके राधा कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कभी जो ललिता सखी कभी जादू विद्या में बड़ा एक्सपर्ट है, ये जादू विद्या में ये बड़ी एक्सपर्ट श्री जादू विद्या। तो भैया कौन सा जादू विद्या है? बोलिए जादू विद्या है ये है, जैसे राधा कृष्ण दोनों पासा खेल रहे हैं, पासा खेलते खेलते खेलते, और ये जो ये सब विषय से करके जितने भी ये सखियाँ कृष्ण के पक्ष में होगी राधा रानी के पक्ष में होगी, कृष्ण के पक्ष में और राधा रानी के पक्ष में। लेकिन मन पर जो अगर तराजू लो, तराजू लेकर मापो, लेकिन ये राधा जी के पक्ष में ज़्यादा झुके हुए होते हैं, दोनों को प्रेम करने पर भी राधा जी के पक्ष में ज़्यादा झुके हुए होते हैं। अगर ये व्यक्ति है ना, राधा रानी का पल्ला थोड़ा कम हो रहा है और कृष्ण का जो पल्ला है ना थोड़ा ऊंचा हो रहा है, इतने में ललिता सखी ऐसे ऐसे करके है, तो ऐसे ऐसे करके ना इसी तरह से राधा रानी को कैसे जिताना है, इसलिए कृष्ण सारा दुनिया को जो पागल बना कर रखी है, ललिता सखी कृष्ण को भी पागल बना देती है। और इधर उधर बात करके सखियाँ ज़्यादा होती है ना, और इधर उधर बात करके यार इधर उधर कृष्ण का मन को थोड़ा भटका देते हैं, और जो पासा खेलते हैं ना, पासा का जो नंबर होता है ना, उसको झट बदला करके बस राधा रानी को जिता देते हैं, राधा रानी को ये जीता देती है। अगर कृष्णा अगर राधा रानी को कोई थोड़ी सी ऊंचा नीचा बात बोल दे, थोड़ी कठोर कोई बात बोल दे, इतने में ललिता एकदम सामने आ जाती है, कृष्ण चुप रहो, हम सब जानते हैं तेरे को है, तो क्या हो नहीं हो सब हम जानते हैं, ज्यादा बोलना नहीं। राधा रानी के ऊपर में कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, बोले राधा रानी को कभी भी ये नीचे होने कभी नहीं देती है, हर समय राधा रानी को ऊपर में, राधा रानी को ऊपर में रखती है। इसलिए कहती जो ललिता ये प्रखरा, इसका जो स्वभाव है ना बड़ा तेजी है, इतना तेजी स्वभाव के ललिता कृष्ण को भी चुप करा देती है, विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण चुप कराती है। अगर कृष्ण को कोई चुप करा देती है ना, कहती है ललिता इनको चुप करा देती है, ललिता कहते हैं इनकी जो स्वभाव है, कहते हैं कि ये इनका जो सेवा में जो स्वभाव, बोले खंडिता, बोले खंडिता मतलब क्या, बोले खंडिता का तात्पर्य जो होता है, जैसे सूप पक्षी के द्वारा जैसे राधा रानी कृष्ण को और कृष्ण राधा को दोनों को उन्होंने आज दोनों आज कहाँ मिलेंगे, ये एक जो तोता है कहते हैं उनके तीन तोते हैं, हैं कहते एक विचक्षण तोता, एक मंजूभाषी तोता और एक सुभा, कहते ये तीन तोते हैं, ये तीनों तोता अलग 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 काम करते हैं। कुछ ऐसे तोता है जो कि राधा कृष्ण के न्यासेज देते हैं, राधा कृष्ण के लिए, कृष्ण राधा के लिए, ऐसे कुछ तोते होते हैं, जैसे कृष्ण जब गोचारण करने जाते हैं ना, उस समय वो आकाश में उड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। अगर कहीं वो सारे जो संवाद लेकर के राधा रानी के पास में पहुँचाती, कृष्ण आज यहाँ पर गए, कृष्ण यहाँ पर गए, अगर राधा रानी कभी श्रृंगार करके बैठी हुई सुंदर कुंज बना करके, अगर चंद्रावली अगर बीच में अपहरण कर लिया, फिर वो जाकर बोल देती है हे राधे आज तुमने जो श्रृंगार की है, हैं जो सुंदर तुमने कुंज बनाया आज सब बेकार कर, बोले क्यों, बोले कृष्ण बीच से अपहरण हो गए, कृष्ण बीच से अपहरण हो गए, बोले कैसे, बोले ऐसे ऐसे है, चंद्रावली आकर कृष्ण को जोर करके पकड़ करके अपना कुंज में ले गई। इसलिए कहते ललिता की सेवा बोले खंडिता, बोले खंडिता का मतलब है जैसे राधा रानी कुंज बनाए सुंदर उन्होंने श्रृंगार की कृष्ण के लिए, है लेकिन जो समय दी गई थी कृष्ण कितने बजे आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आ रहे, नहीं आने पर क्या होता है, राधा रानी बड़ी दुखी हो जाती है, बड़ी दुखी हो जाती है राधा रानी। जब राधा रानी दुखी हो जाती है, अभी राधा जी की जो ललिता विषय का सत्य क्या है, राधा जी के दुख में दुखी और राधा जी के सुख में भी सुखी है। अगर वो देखती है राधा रानी कृष्ण आज नहीं आ रहे, राधा रानी बड़ी दुखी होकर क्या हो गया, कृष्ण क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, इनकी दुख देख करके जो ललिता बड़ी दुखी हो जाती है, इनके दुख में दुखी हो जाती है, दुखी होकर के
कहीं से श्याम सुंदर को ला करके राधा रानी से मिलाए, इसलिए ललिता से हर समय ये चेष्टा में रहती है, इसी चेष्टा में रहती है, इसलिए इसको कहते श्री, इसको खंडिता भाव कहते हैं। कहते श्री ललिता सखी है, कहते ललिता सखी यही क्या कहती है, कृष्ण को राधा रानी को यही मिलन कराती है, इनको मिलन कराती है, राधा कृष्ण दोनों को मिलन कराती है। बोले कैसे, बोले जैसे अभी किसी कारण से जैसे मोरकुटी है, मोरकुटी मोरकुटी में, मोरकुटी में एक समय राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे और सामने एक शीशा है, इतने में राधा कृष्ण दोनों का जो परछाई वो तस्वीर में पड़ता था, इतने में राधा रानी कृष्ण को कहती है, बोले श्याम सुंदर आप थोड़ी सी मेरे जो मुख है ना, थोड़ी सी मैं कितना सुंदर हूँ, थोड़ी सी आप वर्णना करोगे मैं कितने सुंदर। इतने में कृष्ण बोले ठीक है, बोले देखो राधे तुम जो है ना चंद्रा, थोड़ी सी रुक गए, बोले आनी और कितना बोलना था राधा रानी को, बोले ओ चंद्रा बोल दिया ना, चंद्रा मतलब 85 के सती का नाम चंद्रा है, ओ आपने चंद्रा को भी याद आ गया हां, इसलिए पहले चंद्रा उसको रूप करके चला आना नहीं, बोले तुम्हारे जो मुख चंद्र जैसे, इतने में राधा रानी को गुजर गई, बोले जैसे आप बाहर काले हो ना श्याम सुंदर, अब अंदर भी तो काले जैसे, अब हर समय चंद्रा को भी याद कर, बोले नहीं चंद्रा को भी याद करना, बोले फिर अपने मेरे मुख कमल को अब चंद्र को साथ में क्यों उदाहरण, कहते आपको पता है चंद्र में कितना दोष होता है, वही दोष है हाँ, एक तो चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र, उसके बाद में प्रथमा द्वितीय होते 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 अमावस्या पूरा हो गया, क्या मेरे जो चेहरा है सुंदरता उसमें मेरी सुंदरता कभी बढ़ती है और कभी मेरी सुंदरता क्या घटती है, मेरा तो मुख है हर समय चंद्र पूर्ण चंद्र है पूर्ण, और चंद्रमा में देखना कि धब्बा एक दाग है स्पॉट है, तो मेरे मुंह में कहीं दाग नहीं थे, बोले चंद्रमा कहाँ से प्रकट होती है, बोले चंद्रमा ये समुद्र से प्रकट होती है, अब देखना कहीं समुद्र देखना जब चंद्रमा कहाँ से आती है, तब ये समुद्र से जैसे प्रकट होता है, अब समुद्र का पानी नमकीन होता है, मेरे अंदर कोई नमकीन है, इसलिए आप जैसे ऊपर काले अंदर में वैसे काले, कृष्णा ने बोले देखो राधे चंद्रमा में जो गुण है वो मैंने वो गुण को देख करके तुम्हारी महिमा गाए, तो पता है चंद्रमा में कितना गुण है, दिन भर जैसे सूर्य का किरण से सबके सब प्रति उत्तप्त हो जाते हैं, लेकिन रात में जब चंद्रमा प्रकट हो सबका हृदय शुष्क हो जाता है, चंद्रमा किरण से शुष्क कहते अब रात भर सो हाँ, अब सवेरे उठ कर देखना सच में पता फिर आ जाने, दिन भर परिश्रम किया थक गई रात में सो जाओ सवेरे उठो फिर शरीर में ठहर चुस्त हुए कहाँ से आती है, तो ये चंद्रमा से अमृत निकल, चंद्रमा से अमृत निकलती तो जितने वृक्ष है तो वृक्ष में जितने जीवन शक्ति जितने आयुर्वेदिक मेडिसिन हो सर सब कहाँ से आते हैं, चंद्रमा से ही, चंद्रमा का जो किरण है वहाँ से अमृत निकलती है, इसलिए चंद्रमा में बहुत गुण है, मैंने गुण को देख करके बताया, बोले नहीं आप तो मेरे अंदर में हैं चंद्रमा को साथ में क्यों मेरे मुख को चंद्र को धारण को, इतने राधा रानी मान गई कृष्ण को शिष्या बनाने के लिए, राधा रानी मान गई, फिर कृष्ण क्या करते हैं, अभी सखियाँ दुखी होकर बैठी क्योंकि राधा रानी तभी प्रसन्न होती है जब श्याम सुंदर, श्याम सुंदर तभी प्रसन्न होते हैं जब राधा रानी, और इनका काम क्या है कहते ना जय जय राधा कृष्ण रे जुगल मिलाना आरती कराए ललिता की सखी मदन मोहन रूप की भगत सुंदर सीता पर सीते कुछ चुरा मना, इनका जो काम है सखियों का जय जय राधा कृष्ण रे जुगल, जब जुगल मिलन हो राधा कृष्ण दोनों को मिलन हो तभी ये लोग प्रसन्न होते हैं, उनके मिलन में ही मेरा यही आनंद है, मेरा यही आनंद है,
इसलिए अभी सखियाँ बेचारी दुखी और सखियों में सर्वश्रेष्ठ कौन बोल ललिता, ये सर्वश्रेष्ठ ललिता, इनके बगैर तो कुछ होता ही नहीं, ये ललिता सर्वश्रेष्ठ है, इनको पास में लास्ट में कृष्ण इनको पास में जाते हैं, ये ललिता को पास में जाते हैं, क्यों, ये बड़ा तेज है और बुद्धि प्रखरा है और इसको पता है क्या करने पर राधा हरण प्रसन्न होगा और कृष्ण को क्या करनी चाहिए, इसका जो एडवाइस देने वाले यही ललिता से है। इसलिए कृष्ण श्री ललिता सखी को पास में जाते हैं, ललिता ये बताओ तुम ही बता सकते हो इसका रास्ता और कोई बता ही नहीं सकते, तुम बताओ मेरे को क्या करनी चाहिए। तो ललिता इनको परामर्श देती है, क्या परामर्श देती है, देखो राधा हरण को मोर का नृत्य बहुत प्यारा है, आप मोर बन करके नाचो, नाचोगे राधा हरण देखकर खुश हो जाएगी, बास पर तुम दोनों को मिलन हो जाएगी, दोनों को मिलन हो जाएगी। फिर इनकी परामर्श से कृष्णा जा करके मोर को साथ में मिल करके कृष्णा बड़े सुंदर मयूर मयूर बन करके नृत्य करते हैं। जब नृत्य करते ही क्यों नृत्य करते हैं, पहले राधा रानी प्रसन्न हो जाए, राधा रानी हमारे घर में खुश हो जाए। अभी राधा रानी मयूर नृत्य देख रही थी और कृष्णा बड़ी जोर जोर से बोलते हाँ, जैसे मयूर बोलता है ना बड़ी जोर जोर से, कृष्ण ऐसे बोल रहे थे मयूर बन करके, बड़ी जोर जोर से आवाज कर रहे थे, बोले क्यों, राधा रानी खुश हो गए, राधा रानी खुश हो गए प्रसन्न। और कृष्णा का राधा जी के एक स्वभाव है, केवल आकृष्ट होगी तो कृष्ण के प्रति, दुनिया में और उनको कोई आकर्षण नहीं कर सकती। हमें जो उन्हें जोर जोर से कृष्णा बोल करके आवाज नृत्य कर रहे दिखने में राधा रानी प्रसन्न होकर के गए, देखे तो बड़ा सुंदर नृत्य, हम और नृत्य कर रहा है, लेकिन सारे मोर तो एक साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो मोर था वो बड़ी हाव भाव के साथ नृत्य कर रहा था, बहुत सुंदर रूप में। राधा रानी ने देखा सारे मोर तो एक रूप में नृत्य कर रहे हैं, ये मोर तो कोई अलग नाच रहे हैं, क्योंकि तो राधा रानी का जो मन है वो मोर का प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहा देख देख के। इतने में राधा रानी बोली ललिता ये बताओ कि सारे मोर तो एक साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ये मोर इतने हाव भाव से ये मर क्यों नृत्य कर रहा है। बोल देखो राधे, ये मोर और कोई नहीं, ये मोर से श्याम सुंदर और तुमको रिझाने के लिए, तुमको प्रसन्न करने के लिए ऐसे नृत्य कर रहे हैं। राधा रानी ने देखा श्याम सुंदर मेरे को प्रसन्न करने के लिए मोर भी सुनाने के लिए, इतने में राधा रानी भी मयूर बन करके दोनों जहाँ पर नृत्य किया उसका नाम मोर कुट था। इसलिए कभी अगर राधा रानी मान कर लेती है तो कृष्ण फिर ललिता के पास में जाती है, जाने पर फिर ललिता कहती है गंधर्वी हो, हाँ बड़ी सुंदर नहीं तो श्यामा सखी रूप धारण करो, जा करके बोलो हम तो बड़े सुंदर चरण सेवा करना जानते हैं, बड़े सुंदर श्रृंगार करना जानते हैं, तो राधा रानी के चरण को दबाओ, राधा रानी के श्रृंगार करो, नहीं तो आप गंधर्वी बन करके बड़े राग रागिणी को गाओ, जिसको सुन करके श्री राधा जी के हृदय जिसमें द्रवीभूत हो जाए, फिर दोनों का मिलन हो जाए। इसलिए जो ललिता सखी कहती ये क्या करती हैं, ललिता सखी ये दोनों को मिलन कराती हैं और सखियों में अग्रगण्य हैं ललिता सखी, और जो ललिता सखी ये राधा रानी को हैं एकदम शासन करती है, कृष्ण को भी शासन करती हैं और राधा रानी को, इसलिए कृष्ण राधा रानी और किसको नहीं करती, ललिता सखी को करती है, कृष्ण और किसको नहीं करते, दुनिया में और किसको कुछ नहीं करते, दुनिया कृष्ण को डरते हैं, लेकिन कृष्ण किसको डरते हैं, ललिता, दुनिया कृष्ण से डरती है लेकिन कृष्ण किसे डरती है, ललिता से, क्योंकि ये शासन करती है कृष्ण को, ये शासन करती है। राधा रानी को दुनिया डरते हैं लेकिन राधा रानी डरती है ललिता को, बोले क्या कहती है, बोले धृष्ट ब्रजुष्ट भावा माँ दक्षिण भाव कलंकीन लाधवाय, राधा रानी जैसे मान ना, जब तक राधा रानी मान करती है ना श्याम सुंदर कहीं नहीं जा सकता, जब तक राधा रानी को ये मना नहीं, तब तक कृष्ण को चैन नहीं पड़ता है,
जब राधा रानी मान जाए तो कृष्ण को चेंज करते हैं, उसको पहले कृष्ण तुम चेंज नहीं करते हैं। क्यों? राधा रानी के अंदर में जो गुण है तब ना श्री कृष्ण दर्शन जैसा, वो प्रेम क्या करता है, वो जैसे कमल फूल खिलने पर जैसे भोरा को आकर्षण करती है, राधा जी के अंदर में जो प्रेम का जो गुण है वो कृष्ण रूपी भंवर को आकर्षण करती है, आकर्षण करती है। इसलिए जब तक राधा रानी प्रसन्न नहीं हो जाए तब तक श्याम सुंदर नहीं भाई के, अगर राधा रानी का मान अगर उतर गए ना तो कृष्ण पर चले जाते हैं। इसलिए ललिता राधा रानी को शासन करते हुए बिल्कुल खबरदार कृष्ण आएंगे मनाने के लिए। अब थोड़ी सी कृष्ण चटपटी बात बोल रहे ना, कृष्ण तो हाँ महाचंचल है कृष्ण और वो बड़े छलिया है, जब दो चार मीठी मीठी बात बोल देते हैं बास राधा रानी का मान उतर जाती है, मान उतर जाती है, पर राधा रानी जब मान उतर जाए फिर कृष्ण चलिया और किसी को भी वो बात। इसलिए ललिता सखी शिक्षा देती है खबरदार तुम एकदम मानी हो करके है तो दक्षिण भाव को स्वीकार नहीं करना, बॉम्बे भाव को स्वीकार करते हुए तुम बैठ गए बैठ, जब तक तुम मान को दृढ़ रूप में रखोगे कृष्ण तुम्हारे पास रहेंगे कहीं जाएंगे नहीं, मुझे मान को तोड़ना नहीं। ये कलंक की नहीं, राधा रानी को गात बिल्कुल कलंक की नहीं, कलंक की मतलब निंदा नहीं, हाँ कलंक कलंक की तुम इसलिए खबरदार कहीं मान को तोड़ना नहीं। राधा रानी कहते देख लो ललित को तो भयंकर हो, लेकिन जब श्याम सुंदर सामने आते हैं ना रहनी हंसे, श्याम सुंदर को देखते ही हैं श्याम सुंदर देखते ही पता नहीं मेरे मान अपने आप खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमें अपने आप रोकने के लिए रोकने के लिए कदम करना है, तो रोकने के लिए कोशिश करना। इसलिए जो राधा कृष्ण के चरण की सेवा को है तथा अगर राधा रानी के शरीर से अगर एक बूंद अगर पसीना आ गई, राधा रानी के शरीर से एक बूंद पसीना आ गई है, राधा रानी के शरीर में ये पसीना क्यों आए, धर्म बिंदु जिसको ऊपर में ये अपना प्राण को नौछावर कर देते हैं, संपूर्ण प्राण को राधा कृष्ण की सेवा में संपूर्ण जीवन को देते, मतलब राधा रानी की थोड़ी सी भी कोई दुख ये कभी देख नहीं सकती है, इसलिए राधा रानी की चरण की सेवा में संपूर्ण समर्पित श्री ये ललिता सखी है। इसलिए आज तक ललिता सखी अयोध्या किंकरी विनोद धरी से पाए, भक्तों का रूप देते हैं फिर अपना परिचय क्या देते हैं, कहते ललिता सखीरा अयोध्या करी हम तो श्री ललिता जी की एक अयोध्या में एक सेविका हूँ। इसलिए हम लोग जो आए हैं सबका अलग अलग गण है, सबका अलग गण है, लेकिन हम लोग इसी गण में जो भक्तों का रूप देते कमल मंजरी यदि इसकी गण में ही कमल मंजरी कभी श्री ललिता की गण रूपो गोस्वामी से रूपो मंदिर की गण है, इसलिए हम लोग का गण क्या है, हम लोग का धारा क्या है, हम सबसे सब श्री ललिता की गण ही हम लोग हैं। इसलिए आज श्री ललिता देवी की जन्मतिथि जन्म में जन्मतिथि में सबके सब प्रसन्न रहते खुश रहते जो कुछ मांगो वो दे देते, इसलिए आज हम भी श्री ललिता सखी से प्रार्थना करेंगे, ललिता सखी हम सबको बढ़ने आशीर्वाद करें कृपा करें हम सबको बढ़ने, एक दिन हम लोग श्री रूपो गोस्वामी की अनुगत में ललिता सखी की अनुगत में श्री जुगल सरकार की हमें सेवा प्राप्त हो, हम सबके सब श्री ललिता सखी के बढ़ने में हम प्रार्थना करें। श्री ललिता सखी की श्री ललिता देवी की पिता गौर प्रेमानंद समय हो गया ना काम में जाओ ना, मेरे सोच रहा था राधा रानी राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवनी मरणे गति हार नाहि मोर कालिंदी रकुले केली श्यामगौरी अंगे चंदन गंदा
श्यामरा दुलावो कावे हेरे बोख चंद्रा लगतीरा मलतीराला दिवधोरा गाले आधारे तुलिया दीबो कर्पूरा तंबोले ललिता विशाखादि जत सके वृंदा आज्ञान करिब सेवा चरण अरविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल चल रहा है।